नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विजॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक अपना अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और सुबह के 6:40 हो रहा है। मार्केट अभी ऑफ है। जब मार्केट ओपन होगा तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के अंदर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आप मुझे लगता है इसके अंदर जो गिरावट थी, गिरावट का डाउनफॉल ख़त्म हो चुका है और निफ्टी जैसे जैसे रिकवर कर रहा है अपने आपको, तो डेफिनेटली निफ्टी का सपोर्ट मिलेगा। तो इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जो मैं टारगेट देने वाला हूँ, वो टारगेट आपके 10 से 15 दिन के अंदर तीनों टारगेट हिट होंगे। तो आई होप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, मैं इंडिया बुल्स की वेबसाइट पर आ चुका हूँ, तो कंपनी के बारे में ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। कंपनी रियल इस्टेट के अंदर काम करती है, तो कंपनी बेसिकली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देती है, होम लोन्स देती है, म्यूचुअल फंड्स में कंपनी। तो बेसिकली कंपनी का वर्किंग क्या है, और कंपनी अपने खुद के टावर डिज़ाइन करती है, इस तरह के देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इस तरह से कंपनी डिज़ाइन करती है खुद से। तो ये तो ओवरव्यू तो कंपनी का, आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करता। तो अब चलते हैं मेन पॉइंट पे, किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे एग्जिट करना है, समझाता हूँ आपको। तो देखिए, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट के अंदर तो ये कल के दिन ओपन होता है। कल इसने 1.42% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। ये कल ही ओपन होता है 167.50 पे। हाई मारता है 176.50 का, लो मारता है 166.40 का। इसका 52 हाई है 195.90, 52 लो है 63.10 का, ठीक है। कंपनी कब से है, 4 अप्रैल 2006 से कंपनी इंडिया से है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में जब मैंने पहले कॉल दिया था 2 महीने पहले, तो जो इसमें मैंने टारगेट दिए थे उस टाइम पे मैंने 120 के आसपास टारगेट था, जब ये सारे टारगेट हिट हुए थे। तो अब मुझे जो लग रहा है, जो मैं टारगेट दूँ वो डेफिनेटली हिट होंगे, क्योंकि इसमें जो करेक्शन होती है वो करेक्शन हो चुकी है। अब करेक्टिव के बाद शेयर अब तेज़ी आप भागने के लिए बैठा हुआ है। तो 5 दिन के अंदर अभी तक इसने हमें 5% माइनस में रिटर्न दिए हैं। 1 महीने के अंदर इसने अभी तक ओनली 4% रिटर्न दिया पॉजिटिव के अंदर। 6 मंथ के अंदर इन्हें अभी तक 69.73% रिटर्न दिया पॉजिटिव। और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 108.56% रिटर्न दिया पॉजिटिव में। अब देखिए इसके अंदर चल क्या रहा है। अब मैं डेली चार्ट पे आ गया उसके अंदर, तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए डेली चार्ट पे क्या चल रहा है, ये जो कल के दिन इसने कैंडल बनाई है, ठीक है ना, ये इस शूटर कैंडल कहते हैं इसे, ठीक है। शूटर कैंडल बनी है इसकी, जो ये बनी है इसके अंदर बनी है, क्या बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड के अंदर बनी है। तो बेसिकली क्या है, ये शूटर कैंडल है। तो शूटर कैंडल का मतलब कि इसमें तेज़ी की जो गिरावट थी, ये देखिए इससे पहले गिरावट हुई, ये शूटर कैंडल बनी, तो शूटर कैंडल का इंडिकेशन था कि भैया यहाँ से गिरावट होगी। ये देखिए लाल थी, तो यहाँ से रेड साइन करता खतरे को, तो रेड साइन के बाद इसमें देखो आपको गिरावट देखने को मिली। अब इसमें ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ग्रीन शूटर बन रहा है, तो तेज़ी है इसके तेज, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैंडल बना था इसके बाद एक कैंडल बना शूटर, तो इसके बाद क्या गिरावट हुई। अब देखिए जो शूटर बना, यानी कि जो इसमें जो गिरावट होनी थी वो गिरावट हो चुकी है। इससे पहले बुलिश कैंडल है हैवी वॉल्यूम और हैवी शेडो के साथ, ठीक है, हैवी बेयरिश कैंडल बनी हुई है, तो डेफिनेटली इसमें गिरावट हुई। गिरावट के बाद अब देखिए इसके अंदर जो कैंडल कल के दिन फॉर्म करके बंद हुआ है, और देखिए इसका VWAP है जो आप ट्रेंडिंग की तरफ दिख रहा है। ये देखिए इसके वॉल्यूम कैंडल भी बनी है इसके अंदर, तो डेफिनेटली इसके अंदर अब तेज़ी का, अब जो गिरावट तो ख़त्म हो चुकी है, तो हमें क्या करना है इसके अंदर 160 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए आप, ठीक है। 160 का स्टॉप लॉस से बाय करिए तो पहला टारगेट रहेगा 175 रुपये का, क्योंकि देखिए ये जो कैंडल बनी है कल के दिन, कल का दिन ये अपना कल आज के दिन ये कल का हाई भी तोड़ेगा। तो 175 का टारगेट लेके चलिए, पहला टारगेट 175 रुपये का। तो 175 जैसे क्लोज करेगा तो इस कैंडल पर आ जाएगा ये, तो ये कैंडल जो हमारी बनी है 185 तक की, तो दूसरा टारगेट हमारा 80 रुपये का रहेगा। जैसे इस कैंडल को सपोर्ट लेगा तो यहाँ आ जाएगा ये, तो यहाँ आने के बाद दूसरा टारगेट है मेरा 185। तीन टारगेट है मेरे 185 तक का। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, 160 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। तो पहला टारगेट हमारा आएगा 175 का, दूसरा टारगेट 180 का, तीसरा टारगेट 185 रुपये, तीन टारगेट का बाय करिए पिछले हो रखे, क्योंकि इसका 52 हाई है 195। तो जल्दी से तोड़ेगा नहीं, बट 52 हाई के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। गिरावट का करेक्टिव हुआ, करेक्टिव के बाद अब चलने को तैयार बैठा शेयर। तो हमें हमेशा ही बाय जो करना होता है गिरावट के अंदर ही बाय करना होता है। जब इसमें डाउनफॉल देखना होता है, कब इसका डाउनफॉल खत्म हुआ था, जब हमें इसे बाय करना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को
160 का स्टॉप लॉस से बाय करिए। पहला टारगेट आएगा हमारा 175 का, दूसरा टारगेट 180 का, तीसरा टारगेट 185 का, तीन टारगेट बाय करिए और पेशेंस साथ होल्ड रखिए। अब इसके अंदर समझते हैं वीकली चार्ट पे क्या चल रहा है। देखिए वीकली चार्ट पे भी अच्छा खासा इंडिकेशन देख रहा है, तो वीकली चार्ट पे भी देखिए ये जो कैंडल बनी है कल के दिन, ठीक है वीक की, तो इसके अंदर भी गिरावट का इंडिकेशन दिख रहा है कि गिरावट खत्म हो चुकी है। तो बाकी ये अपने 100 डेज 150 डेज 200 डेज का अप ट्रेंडिंग ट्रेड कर रहा है। RSI पे देखिए ये अप ट्रेंडिंग का साइन आ चुका है, डेली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए RSI अब ट्रेंडिंग की तरफ मूव कर चुकी है, RSI अभी इसके 50 का अबव चल रही है, तो अब ट्रेंडिंग की तरफ है, तो डेफिनेटली से बाय के पर्सनल हो रखी है। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।